उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MI वर्सेस Redmi के पावर बैंक में, मतलब Mi वर्सेस Redmi कौन सा पावर बैंक हम परचेस करें। मतलब मेरे पास तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास ये दोनों पावर बैंक है, बट यार दोनों की प्राइसिंग सेम है। दोनों 10,000 mAh में यूज कर रहा हूं, पर दोनों की प्राइसिंग सेम है, कौन सा परचेस करें। मतलब कंफ्यूजन सी क्रिएट कर दी ना Xiaomi वालों ने हमारे लिए। मैंने दोनों पावर बैंक यूज किए, अगर आप दोनों के अनबॉक्सिंग नहीं देखे आप जाके देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन में छोड़ दूंगा मैं। मैंने अभी दोनों पावर बैंक यूज किए, मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली ट्राई किया कि कौन सा मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ट्रैवल के मामले में। अगर घर पे कभी मेरे घर पे लाइट नहीं है तो मैं कौन सा यूज करूं, यही आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो में अपना मैं ओपिनियन बताऊंगा दोनों पावर बैंक्स को लेके और दोनों के बीच में कौन सा सबसे बेस्ट पावर बैंक है। तो चलो फिर करते हैं टेकी कॉन्वो की ये वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले जिस दिन ये Redmi का पावर बैंक लॉन्च हुआ था उसी दिन मैंने इसको ऑर्डर किया और उसके ठीक दो दिनों में डिलीवर हुआ आप लोगों का भाई, आप लोग इसकी अनबॉक्सिंग लेके आ गया था। तो अगर इसकी अनबॉक्सिंग नहीं चेक किया जाओ जाके पहले इसकी अनबॉक्सिंग चेक कर लो इस वीडियो के बाद। अब फीचर्स अगर मैं इसके बोलूं, मेरे का जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, मेरे को जिसका सबसे जो बेस्ट फीचर लगा वो लगा था अभी मेरा, अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने अपने हाथ में वो अपनी Redmi बैंड फोन नहीं पहना है, मैं अपना Redmi बैंड फोन ना यार इसी से चार्ज कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। इसका जो लो पावर मोड वाला फीचर है मेरे को बहुत अमेजिंग लगा। मेरे मीवी के ईयरफोन जो कि उधर अभी पड़े हुए हैं वो भी मैं अपने इसी से चार्ज कर रहा हूँ। तो ट्रैवलिंग के मामले में मेरे को सबसे बेस्ट ये Redmi वाला पावर बैंक लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि MI का पावर बैंक बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा कि MI का पावर बैंक खराब है या अच्छा नहीं है, ये भी अमेजिंग पावर बैंक है। बट अगर मैं आप लोगों से इसकी बात करूं चार्जिंग के मामले में, जब मैं इस पावर बैंक को चार्ज पे लगाता हूं ये पावर बैंक कम से कम 7 to 8 hours लेता है। मतलब पूरी रात मैं सोने से पहले इसको चार्ज पे लगा दूं और जब सुबह उठूं तब भी ये चार्ज हो रहा होता है, क्योंकि मैं मुश्किल से मैं 4-5 घंटे ही सोता हूँ, इतना मैं सोता नहीं हूँ कि मेरे को रात को नींद नहीं आती है। आप लोगों के साथ भी शायद ये प्रॉब्लम हुई थी, नीचे कमेंट करके बताना आप लोग कितने घंटे सोते हो। तो ये पावर बैंक का मैक्सिमम 7 to 8 hours लेता है चार्ज होने के लिए। और अगर मैं इस पावर बैंक की बात करूं, ये पावर बैंक 5 घंटे में, मेरे को नहीं पता कैसे क्यों क्या लॉजिक है फर्क है दोनों के पावर बैंक में चार्जिंग होने में, बट ये पावर बैंक 5 घंटे में पावर बैंक फुल चार्ज होता है। और ये पावर बैंक मेरे फोन को, मतलब मेरे Redmi Note 7 को, जो कि ये भी इधर चार्ज पे लगा हुआ है, मेरे Redmi Note 7 को ये ना, मतलब ये पावर बैंक 2 बार चार्ज कर देगा, मतलब 4000 mAh की बैटरी है, 2 बार चार्ज कर देगा फिर ये डेड हो जाएगा, क्योंकि 10,000 mAh पूरा 10,000 mAh ऑब्वियसली बात है हमें किस पावर बैंक में मिलता नहीं है, तो 2 बार चार्ज करने में डेड हो जाएगा। बट ये मेरे Redmi का पावर बैंक मेरे स्मार्टफोन को, मेरे Redmi Note 7 को, और इसे मैंने एक MI A3 भी चार्ज किया, अपना Redmi Note 7 मैंने इसे 2 बार चार्ज किया 80% तक, और जो Mi A3 था उसको मैंने 20 to 100 चार्ज किया, फिर जाके पावर बैंक डेड हुआ। मतलब तो इस पावर बैंक का, Redmi के पावर बैंक का बेटर बैटरी बैकअप है अगर हम कंपेयर करें Mi के पावर बैंक से। ये अब ट्रैवलिंग ऑप्शन की अगर हम बात करें, अगर ट्रैवलिंग ऑप्शन की मैं आपको बात करूं, अगर आप लोगों के साथ अगर आप फोन करते हो, मान लो एप्पल की वॉच, फॉसिल की स्मार्ट वॉच, रेडमी का फिटनेस बैंड, अपना फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स, कुछ भी, कभी कभी क्या होता है हमारी उसकी बैटरी डेड हो जाती है और हमारे पास अडैप्टर नहीं होते, क्योंकि आजकल के जो अडैप्टर है, मैं भी ये जो अडैप्टर यूज करूँ, मैं एक फास्ट अडैप्टर यूज कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, हमने फास्ट अडैप्टर से तो अपनी बैंड्स को, फिटनेस बैंड्स को, स्मार्ट वॉचेस को नहीं चार्ज कर सकते। तो ये पावर बैंक, जैसे कि मैंने पीछे बोला था, पावर बैंक बेस्ट ऑप्शन है लो पावर मोड के करके, डबल क्लिक करो इस लॉक बटन पे और आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। तो अगर आप एक नया पावर बैंक प्लान कर रहे हो कि हम उसको बाय करें, मैं जो रेकमेंडेट करूंगा MI और Redmi के पावर बैंक में से बीच, मतलब Mi और Redmi से, मैं रेकमेंडेट करूंगा कि आप Redmi का 10,000 mAh या अपने नीड के हिसाब से 20,000 mAh का पावर बैंक खरीद लो। मेरे नींद के हिसाब से
10,000 mAh पावर बैंक बेटर। और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा मेरे को इस पावर बैंक का, वो लगा मेरे को अलग से ये कोई ऐसी कोई वायर कैरी करने की जरूरत नहीं है जिससे इसको मैं चार्ज कर पाऊं। मेरे टाइप सी चार्जर से भी ये टाइप सी पोर्ट है, मेरे टाइप सी पोर्ट से भी ये इजीली चार्ज पे लग जाएगा। तो अलग से मेरे को कुछ तारे वगैरह में उलझना जो भी है उसमें नहीं पड़ेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा मैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो बिना लाइक करे मत जाना। उस वीडियो को और मेरी आगे किसी वीडियो को मिस मत करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, पीस।